बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सब अपने है घरों में है खैरियत से होंगे। मैं राबिया शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम एक और नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबको व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। तो आज हम अब बनाने जा रहे हैं, जो रेसिपी बनाने लगे वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ नमकीन गोश्त, जो बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? बीफ हमने ले लिया, नमक हमने हाफ टी स्पून ले लिया, गरम मसाला ज़ीरा हमने ले लिया 1 टीस्पून, एक टुकड़ा हमने वो लहसुन का ले लिया, और 2 टुकड़े हमने ले लिए अदरक के, और 2 हमने नींबू ले लिए। तो इसको बनाने के लिए कुकर हमने ले लिया, इसमें पानी गर्म होने के लिए रख दिया। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे बीफ। ये हम बीफ बना रहे हैं हड्डियों का, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बहुत ही आसान। आप भी अपने घर में ट्राई करें, ये बहुत अच्छी मज़े की डिश है, बहुत अच्छी रेसिपी है। देखें, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक, ज़ीरा, और साथ में ये जो चीज़ें हमने काटी हुई हैं। इसको अब हम कुकर का प्रेशर देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए हम कुकर को प्रेशर में देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का है, ये बहुत अच्छी तरीके से गल गया, बहुत मज़े का ये बना है। तो आप भी बनाएं अपने घर में, ज़रूर ट्राई करें। तो बस आज की मेरी वीडियो यही थी। बस वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। राबिया शहज़ाद को दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखना और आप बहुत सारा प्यार आपको। तो ओके, हल एक नई वीडियो लेके फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। राबिया शहज़ाद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।